हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है। अब आप पूछेंगे किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या एमबीए के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या वो टीचिंग भर्ती की कोई तैयारी कर रहे हों, टेट सुपर टेट और सीटेट इन सब की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों। अगर आपसे अंग्रेजी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता जरूर है। फिर एक बार दोहराऊंगा कि आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक, लेवल की कोई चिंता नहीं। अब उनके लिए भी जरूरी है जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं। बच्चा क्लास फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ में हो तब से उसको इस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप ना तो एकेडमिक में है ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आपको कहानियां पढ़ने का शौक है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं कि हम सुन के समझ सकें या बोल सकें, या कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है, कहानी आप पढ़ रहे हैं, या आप मान लीजिए कहीं किराया देना है किसी को, तो हाउ मच बोलेंगे, हाउ मैनी बोलेंगे। आप दूध खरीद रहे हैं तो क्या बोलें, हाउ मच बोलेंगे, हाउ मैनी बोलें। अंडे खरीद रहे हैं, हाउ मच बोलेंगे, हाउ मैनी बोलेंगे। यही सब डिफरेंस होता है, कब मच लगाएंगे, कब मैनी लगाएंगे, कब सम लगाएंगे, कब एनी लगाएंगे, कब लिटिल लगाएंगे, कब फ्यू लगाएंगे, फ्यू लगाएं कि आ फ्यू लगाएं कि दा फ्यू लगाएं, लिटिल लगाएं कि आ लिटिल लगाएं, मोर लगाएं कि मैनी लगाएं। यही सब दिक्कतें होती हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कशन है और उन्हीं पर बेस्ड है ये कौन सा टॉपिक, डिटर्मिनर्स का। ये होगा डिटर्मिनर का पार्ट वन। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनर को एक पार्ट में खत्म नहीं किया जा सकता, ये कम से कम दो दिन लेगा। क्यों दो दिन लेगा, जरा सुंदर कर दे, नहीं तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा। अब लगा ना, अच्छा ठीक है। तो डिटर्मिनर को हम दो पार्ट में कर पाएंगे, एक पार्ट में नहीं कर पाएंगे। आप पूछोगे क्यों, एक पार्ट तो ये बताने में लग जाएगा कि डिटर्मिनर कहते किसको हैं और कितने प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनर में और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे दिन पार्ट टू में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या करेक्ट यूज है इसका। जैसे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि मच मीनिंग क्या है, क्वांटिफायर है, न्यूमरल है या क्वालिटेटिव है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन है, आर्टिकल कौन कौन, क्या क्या शामिल होता है डिटर्मिनर में। आज एक डिटर्मिनर का डिटेल परिचय होगा, उसके पूरे खानदान से परिचय करेंगे हम लोग कि इसके खानदान में कौन दादा है, कौन उसके बेटे हैं, कौन पोते हैं, कितने पोते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। कल उनके बीच का डिफरेंस करेंगे, कल वो वाले टॉपिक होगा कि लिटिल और फ्यू में क्या लगेगा, फ्यू लगेगा कि आ फ्यू लगेगा कि द फ्यू लगेगा, मच मेनी में से क्या लगाएंगे, आल और एनी, सम और एनी में क्या डिफरेंस, डिफरेंस की बात कल करूंगा। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन क्या किसी भी चीज़, एकेडमिक में होते हैं तब भी, उनके लिए दोनों देखना बहुत जरूरी होगा। आज पार्ट ए देखेंगे, परिवार के लोगों से परिचय होगा, कल उनके बारे में डीप में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना पार्ट वन का ये डिस्कशन। तो डिस्कशन शुरू करने के पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वही अरस्तु, एरिस्टोटल की इंडक्शन वाली, डिडक्शन वाली पॉलिसी पर है, इंडक्शन है कि डिडक्शन है हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसमें पहले एग्जाम्पल देते हैं और बाद में बताते हैं, वही वाली विधि, आगमन हिंदी में कहते हैं, आगमन डिडक्शन की विधि है। हाँ याद आया, डिडक्शन है। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल पर समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या है इनका परिवार का, उनका पूरा एक वंश वृक्ष बनाएंगे हम, ठीक है। आप कहेंगे वंश वृक्ष इतिहास में बनता है, अंग्रेजी में कहाँ आ गया, देखिए कोशिश करेंगे बनाने की। तो पहला सेंटेंस पढ़ो, ही गेव मी अ क्वेश्चन टू सॉल्व, ही गेव मी अ क्वेश्चन टू सॉल्व। इसमें डिटर्मिनर कौन है, ये जो आ लगा है आर्टिकल आ, ये डिटर्मिनर है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये आर्टिकल है, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो थोड़ा, बस अभी आ रहे हैं आपकी बात पर आ रहे हैं। ही गेव मी अ क्वेश्चन टू सॉल्व, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, साथ में ये लिखना भी जरूरी है।
क्वेश्चन नाउन है, आज वो है उसका डिटरमिनर है। दूसरा पढ़ो, आई सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ क्वेश्चन नाउन है और इसका डिटरमिनर कौन है, इसका डिटरमिनर है आर्टिकल है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो आ लगा है वो किसके लिए लगा है, क्या ये आ वेरी के लिए लगा है, नहीं। क्या ये आ डिफिकल्ट के लिए लगा है, नहीं। एक्चुअली ये आ किसके लिए लगा है, ये लगा है क्वेश्चन के लिए, नाउन के लिए लगा हुआ है। ये डिफिकल्ट किसके लिए लगा हुआ, ये भी इसी नाउन के लिए लगा हुआ है। वेरी किसके लिए लगा हुआ है, डिफिकल्ट के लिए लगा हुआ है। बस समझ में आ जो है वो नाउन के लिए लगा, नाउन के पास नहीं है, दूर है थोड़ा, हो गया क्योंकि इसके थोड़े सगे संबंधी और आ गए। ऐसे ही समझ लो जैसे मियां बीवी दो लोग होते हैं, तो मियां बीवी के बीच में अगर उनका बच्चा होगा तो माँ मतलब मम्मी पापा के बीच में ही आके घुसता है। तो ऐसे ये समझ लो कि ये मम्मी पापा हो गए, ये दोनों बच्चे हैं वो बीच में आके घुस गए हैं, ठीक है। ये कहानी है, यहाँ पे डिटरमिनर और नाउन बगल बगल में आ गए हैं क्योंकि बीच में कोई इंट्रूड नहीं कर रहा। यहाँ पे डिटरमिनर और नाउन के बीच में इस नाउन की एडजेक्टिव आ गई, उस एडजेक्टिव का ये एडवर्ब आ गया, तो नाउन ये जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा दूर आ गया, डिटरमिनर थोड़ा दूर आ गया, ठीक। तो ये क्यों मियानेगी, ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जब अभी थोड़ी देर बाद हम ये बताएंगे कि डिटरमिनर का यूज नाउन के लिए किया जाता है, तो आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि डिटरमिनर नाउन के लिए यूज किया जाता है तो नाउन के साथ होना चाहिए, जैसे इस वाले केस में है, आ जो है वो किसके, नाउन के साथ में है। पर यह सिचुएशन हमेशा जरूरी नहीं है, अगर नाउन का क्वालिफायर नहीं दिया होगा तो डिटरमिनर पास में रहेगा, अगर कोई क्वालिफायर आ जाता है जैसे कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाती है तो डिटरमिनर दूर हो जाएगा। अब ये लगा इसी के लिए है, बस ये है कि थोड़ा दूर, इसके थोड़े और सगे संबंधी आ गए, करीबी तो पास में आ गए, ठीक। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि डिटरमिनर नाउन से सटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नाउन से दूर होगा, हाँ लगेगा नाउन के लिए ही, ये सिचुएशन हो गई। अब इसी में एक नाम कहो तो और बता दें, अब ये नाउन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, नाउन है। डिफिकल्ट क्या है, क्वालिटी है क्वेश्चन की, तो ये जो क्वालिटी है इसको हम लोग नाम क्या रखेंगे, क्वालिफायर, इसको क्या कहा जाता है, क्वालिफायर, ठीक। मैं नाम इसका बाद में फिर किसी दिन में क्वांटिफायर, क्वालिफायर और इंटेंसिफायर के बारे में डिटेल में क्लास ले लूंगा, अब यहाँ गिचर पिचर नहीं करेंगे, आप समझ लो खाली ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिफायर हो जाएगा और ये क्वालिटी को इंटेंसिफाई कर रहा है वेरी, तो इसको क्या कहेंगे, इंटेंसिफायर कहेंगे। सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों में अगर कोई, देखो मैंने सीडीएस का नाम लिया तो कुछ लोग भड़क जाएंगे, ये भड़कना बंद करो, मैंने नाम ले लिया सीडीएस का तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीडीएस वालों को ही पढ़ा रहे हैं, अब एसएससी वाले और सीजीएल वाले छोड़ के मतलब वीडियो बंद करके खिसक जाएंगे, ये आप लोगों की गलत आदत होती है, ऐसा ना करो। सेम टॉपिक चल रहा है, कुछ क्वेश्चन सीडीएस के लिए स्पेशली हैं, बस नाम लेने भर से आप कौन सा आपका मतलब नुकसान हो जाएगा भाई। तो सीडीएस में 10 क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि क्वालिफायर है कि ये इंटेंसिफायर है कि ये डिटरमिनर है क्या है इस तरह का, तो उनके लिए ये जरूरी है जानना, जिसे नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा तो वो क्वालिफायर होगा, ठीक। सब ये जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं, और इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की इंटेंसिटी बता रहा होगा कोई, डिफिकल्ट कितना डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। अब बहुत में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, हद से ज्यादा डिफिकल्ट, कुछ कुछ डिफिकल्ट, ऐसे आता है जिसमें लिटिल लगा सकते हो, अ लिटिल लगा सकते हो, स्लाइटली लगा सकते हो, अबिट लगा सकते हो, फार लगा सकते हो, मोर लगा सकते हो, मोस्ट लगा सकते हो, वेरी लगा सकते हो, एक्सट्रीमली लगाओ, एक्सेसिवली लगाओ, टू डिफिकल्ट या सो डिफिकल्ट, इस तरह के जो वर्ड यूज कर देते हो, ठीक, तो वो क्या कहा जाता है, उसको इंटेंसिफायर कहा जाता है। ये जो वेरी क्या हो गया, वो इंटेंसिफायर हो गया, और डिफिकल्ट क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। अब ये आप लोगों की बात यहीं तक बस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिटरमिनर में फिर से, ठीक। यहाँ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है, और ये ईच क्या बता रहा है, ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, तो ये नाउन को डिटरमिन कर रहा है। ईच क्या हो गया, ये भी डिटरमिनर हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ आ डिटरमिनर था, यहाँ आ डिटरमिनर था, तो यहाँ ईच कैसे हो गया, अरे भाई डिटरमिनर के 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल एक बच्चा हो गया, आर्टिकल दूसरा बच्चा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है।
तो ये भी डिटर्मिनर ही होता है। अब यहाँ वेरी वेल लिखा है, वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मैनर हो गया, वेल के पहले क्या लगा, वेरी। अब ये क्या हो जाएगा, इसको कहोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिफायर कहोगे, ठीक है। अब ये रहने देते हैं यहाँ पर। अब आ गया जो दे डू नॉट नो दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर क्या है, नाउन हमारा कौन है, स्टोरी है, स्टोरी मेन नाउन हो गया। अब स्टोरी के पहले क्या लगा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग किसके लिए लगा, स्टोरी के लिए लगा है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कैसा, कैसी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये जो दिस लगा हुआ है, दिस, इसको अंडरलाइन करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिटर्मिनर। कैसा डिटर्मिनर है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। ये किसके लिए लगा, ये दिस जो है इंटरेस्टिंग के लिए नहीं लगा है, ये दिस भी किसके लिए लगा है, स्टोरी के लिए लगा है, बात समझ लेना। दिस इज नॉट यूज फॉर इंटरेस्टिंग, दिस इज यूज फॉर स्टोरी। तो दिस इज डिटर्मिनिंग द नाउन, नाउन स्टोरी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। कैसा डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये, कैसा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। इसको क्या कहोगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी आर्टिकल है, तो इसको भी हम डिटर्मिनर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे है कि ही हैज बारोड माई बुक्स बिफोर एग्जाम, ही हैज बारोड माई बुक्स बिफोर एग्जाम, क्या लिया उसने, बुक्स लिया, बुक्स क्या है, नाउन है। और नाउन को कौन डिटर्मिन कर रहा, किसकी बुक्स हैं, मेरी बुक्स हैं, ये आपका हो गया क्या, डिटर्मिनर। अब कैसा डिटर्मिनर हो गया, ये पजेसिव हो गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं वो सब आपके डिटर्मिनर आएंगे। फिर आ जाओ नीचे, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा, आई हैव लर्नड मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नाउन कौन है, ये आपका क्वेश्चंस नाउन हो गया। अब इसके पहले इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, नहीं डिटर्मिनर नहीं है, ये क्या हो गया, ये क्वालिफायर होगा। क्वालिफायर कैसे है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, कैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेनी क्या बता रहा है, उनकी संख्या बता रहा है, कितने क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन, तो ये डिटर्मिनर कहा जाएगा। फिर क्या होगा, ये डिटर्मिनर, ये भी किसको इंटेंसिव, किसको डिटर्मिन कर रहा है, नाउन को, ये नाउन को डिटर्मिन कर रहा है, डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव कहा जाएगा, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी, ये एडजेक्टिव, और इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है, दिस भी एडजेक्टिव है, ईच भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, दे हैव प्रोवाइडेड मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, नाउन है। अब कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। मच क्या बता रहा है, मच बता रहा है उस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी, मात्रा, कितनी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी, तो ये उसकी मात्रा बता रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, नाउन को डिटर्मिन कर रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे, ठीक है। तो अब डिटर्मिनर ये भी है, अब थोड़ा देखना अंतर देखना इसमें। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, ठीक। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा, मीनिंग, क्या यहाँ पे मच लगा सकते हो, क्या ये कह सकते हो कि आई हैव लर्नड मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके पहले मीनिंग लगा दें, मच लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, संख्या आएगी उसके पहले, उसको गिना जा सकता है, तो उसके पहले क्वांटिटी नहीं, संख्या आनी चाहिए, तो इसको क्या कहोगे, न्यूमरल कहोगे, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हो। और ये मच क्या है, इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले नंबर नहीं लगा सकते हो। क्या हम यहाँ कह सकते थे कि दे हैव प्रोवाइडेड मेनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नहीं हो सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, उसके पहले आप मेनी नहीं लगा सकते हो, मच लगा सकते हो। यही चीजें हमको कल वाले में, मतलब इसके पार्ट टू में हम लोगों को यही चीजें पढ़नी है कि हम इंफॉर्मेशन के पहले मेनी लगा सकते हैं कि नहीं, हम क्वेश्चंस के पहले मच लगा सकते हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, वो सारे कारण कल डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहते हैं क्वांटिफायर, क्या कहेंगे, क्वांटिफायर, ये हो गया क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर में दो तरह का क्वांटिफायर होता है, क्वांटिफायर में एक होता है क्वांटिटी बताता है, और दूसरा क्या बताता है, नंबर बताता है, ठीक है। तो मच और मेनी दोनों के दोनों क्वांटिफायर कहे जाएंगे। जैसे किसी एग्जाम में सीडीएस वगैरह टाइप का कोई एग्जाम हुआ, तो अगर वो पूछता है कि मेनी क्या है और ऑप्शन में क्वांटिफायर दिया है, तो आप क्वांटिफायर लगा दीजिए, क्योंकि नंबर और क्वांटिटी दोनों क्वांटिफायर की कैटेगरी में आएंगे। अभी थोड़ी देर में हम इसको एक चार्ट बना के आपको समझाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ और आ जाती है, ये दिस की बात आ जाती है।
और एक दिस हमारे पास और लगा था, ये वाला दिस लगा था, ठीक है, दो दिस आ गए। तो क्या ये दिस अगर डिटरमिनर था तो क्या ये दिस डिटरमिनर है? सवाल ये होता है कि अगर ये दिस डिटरमिनर है तो क्या ये दिस डिटरमिनर है? ये डिटरमिनर है श्योर, क्या ये डिटरमिनर है? नो, नहीं है। क्यों नहीं है ये सवाल थोड़ी देर बाद। अभी मैं इतना केवल बता सकता हूं कि ये वाला दिस किसी नाउन को डिटरमिन कर रहा था, दिस स्टोरी। ये वाला दिस किस नाउन को डिटरमिन कर रहा है वो नहीं दिया है। इसके बाद क्या होगा? दिस इवेंट, दिस इंसिडेंट, कोई भी चीज यहां इसके बाद लगनी चाहिए थी, वहां क्या लगता? यहां कोई नाउन लगा होता अगर इसके पीछे तो यह डिटरमिनर हो जाता। और अगर यहाँ पे इसके पीछे दिस के बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसके लिए दिस हम लगाए हैं, वो छुपा हुआ है, तो ये क्या कहा जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नॉट डिटरमिनर। अब यह डिटरमिनर नहीं हो सकता, अब ये क्या होगा? ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। डिटरमिनर तब कहा जाएगा जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मच क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये होगा डिटरमिनर। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनर। ये माई के साथ बुक्स लिखा है, ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। सारे एडजेक्टिव नहीं, नॉट ऑल द एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स। कौन कौन से एडजेक्टिव्स, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो ये डिटरमिनर होगा, ठीक है। कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव और न्यूमरल एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये अगर पांच, ये पांच एडजेक्टिव अगर होते हैं तो वो डिटरमिनर माने जाएंगे। इनके अलावा एक डिटरमिनर और है, आर्टिकल है, आइंदा है, ये किस में आएंगे? डिटरमिनर की कैटेगरी में आएंगे। क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होगा तो वो क्वांटिफायर कहा जाता है, सॉरी क्वालिफायर कहा जाता है, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी आपको? इसके बाद हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? इसका बनाएंगे एक चार्ट। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा उसके पूरे परिवार का एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट के बाद इनके बाद इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये है चार्ट डिटरमिनर का, इसका पूरा परिवार है। एक ओर से हम लोग देखते हैं कि इसके परिवार में कौन कौन है। जगह कम पड़ रही थी, मैं हो सकता है छुप जाऊं, ढक जाऊं, कोई बात नहीं है। तो डिटरमिनर, ये जो परिवार है डिटरमिनर का, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है और क्वांटिफायर आते हैं। तो क्वांटिफायर में दोनों है, नंबर और क्वांटिटी, ये लिख दिया। मतलब डिटरमिनर के पांच बच्चे हैं, एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं। अब इस बच्चे की शादी हो गई और इनके दो और बच्चे हैं, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल में कौन कौन आएगा? आ है, एन है, दिख रहा है आप लोगों को? शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो सुनने से अंदाजा लगाना। आर्टिकल में तीन है, आ है, एन है और द है, ठीक है। अब ये अलग से आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और मैं कभी आर्टिकल पर एक लंबा लेक्चर डाल दूंगा पूरा, तीन तीन चार दिन तो लगेगा ही लगेगा आर्टिकल में, तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आ एन द, तो ये एक अलग से चर्चा होगी, इनकी अलग टॉपिक ही होगा। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन आता है? पजेसिव एडजेक्टिव में देखो आपका आता है माई है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और ये आपका देयर है। ये सब क्या है? ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अच्छा, मैं जब आप, अच्छा प्रोनाउन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरा क्विक रिवीजन एक वीडियो है, क्विक रिवीजन नाम से, क्विक रिवीजन ऑफ प्रोनाउन, तो उसमें मैंने एक घंटे में सारे प्रोनाउन क्विकली रिवाइज किया है, उसको देख लीजिएगा। तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में फर्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा होता है माई पेन, ठीक है, माई पेन, तो ये पेन क्या है? नाउन है, तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कहीं कहीं लिखा होता है केवल माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, इसका भी मतलब होता है मेरा, इसका भी मतलब होता है मेरा, लेकिन माइन के बाद नाउन नहीं लगता, ठीक है, माइन के बाद नाउन नहीं लगता, तो माइन जो है ना वो ये क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। कहीं ही माइन लिखा हो तो ये क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन होगा। और माई लिखा जाएगा जिसके साथ पेन लिखा होगा,
तब इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो कहीं मान लो माइन लिखा हो, माइन का मतलब मेरा, तो उसको आप डिटरमिनर मत बताइएगा, माइन डिटरमिनर नहीं है, माइन जो है वो प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के साथ नहीं लगता। डिटरमिनर कौन होगा, माई होगा, क्यों, क्योंकि माई के बाद नाउन लगता है और डिटरमिनर के बाद नाउन आना चाहिए ना, एडजेक्टिव का काम करेगा तब डिटरमिनर बन पाएगा, ठीक है, प्रोनाउन का काम करेगा तो डिटरमिनर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में फर्क समझना, पजेसिव प्रोनाउन डिटरमिनर नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमने कहा कहीं कंफ्यूजन ना हो आगे चल के, इसलिए इसको क्लियर ही कर देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें आता है आपका ईच, ठीक, ईच आएगा, एवरी आएगा, आइदर आएगा और नाइदर आएगा, ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन आता है, जैसे दिस है, ठीक है, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, दिस दैट दीज और दोज, ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा ध्यान रखना, फिर वही बात आई, इनके साथ नाउन लगा होगा तब तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तब तो ये डिटरमिनर होंगे, अगर इनके साथ नाउन नहीं होगा, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक दिस यहाँ लिखा था जिसके साथ नाउन था, एक दिस वहाँ लिखा था जिसके साथ नाउन नहीं था, तो जिस दिस के बाद नाउन नहीं था वो क्या था, प्रोनाउन था, जिस दिस दैट दिस दोस के बाद नाउन होगा वो एडजेक्टिव होगा, जब एडजेक्टिव होगा तभी वो डिटरमिनर कहा जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब इसको यूज करेंगे तब ये डिटरमिनर की कैटेगरी में आएगा, हो गई ना बात, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफायर हुआ, तो क्वांटिफायर में दो चीजें होती है, नंबर आएगा और क्वांटिटी आएगी। नंबर और क्वांटिटी में क्या चीजें हैं, नंबर क्वांटिटी में देखो सारी हो सकता है, यहाँ ना लिख पाऊं मैं तो बाद में और डिटेल में कर दूंगा, ठीक है, ये सारे तो हो चुके हैं, इनको तो पूरा पूरा लिख दिया, इनमें इससे ज्यादा नहीं है, आर्टिकल यही तीन है, पजेसिव एडजेक्टिव यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यही है, तो ये तो इतने ही हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है, मैं देखो क्लोज कर दे रहा हूँ। लेकिन नंबर वाले हो सकता है यहाँ पूरे के पूरे ना आ पाए, यहाँ ना आ पाए, तो उसको मिटा के मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है, आपकी पेन और कॉपी रेडी रहनी चाहिए, आप नोट करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे हमें एक बार मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, या ऐसा करेंगे ये थोड़ा सा लिख के इसको साफ करके मैं पूरा पूरा क्वांटिफायर एक बार अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, तो उसको अलग से भी बना लेना, अभी खाली यहाँ समझ लो। तो न्यूमरल में क्या आएगा, नंबर में, जैसे आपके पास है फ्यू, ठीक है, तो फ्यू क्या आता है, नंबर में आता है, ठीक, फ्यू के अलावा और क्या आएगा, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, मेनी हो गया, फ्यू सेवरल मेनी, अभी मैं आपको इतना लिख के दे दे रहा हूँ, अभी उसके बाद डिटेल में कर देता हूँ इसको, फ्यू सेवरल मेनी एटसेट्रा मान लो। और क्वांटिटी में क्या आ जाओ, क्वांटिटी में आप आ जाते हैं, जैसे लिटिल ले लेते हैं, ठीक है, लिटिल हो गया, मच हो गया, लिटिल है, मच है, ग्रेट डील ऑफ है, क्या हो गया, ग्रेट डील ऑफ हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये एक्सेट्रा मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक, दो हो गए, तो ये हो गया आपका, आपकी पूरी डिटरमिनर के टाइप में आ गए, ठीक है, हर तरह के डिटरमिनर मैंने एक बार में बोर्ड पे पूरा पूरा सारा का सारा लिख रखा है, आप समझ गए होंगे। अब मुझे क्वांटिफायर को थोड़ा और डिटेल में लेके चलना है, क्लियर, क्योंकि यहाँ सारे हो नहीं पाए हैं, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, उसके बाद क्वांटिफायर को अलग से लिखता हूँ, फिर क्वांटिफायर के बारे में कुछ रूल्स वगैरह भी समझना होगा, इनके बारे में कुछ खास रूल्स नहीं थे, और डिटेल में फिर उसी को हमें ले चलना पड़ेगा, क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है, मिटाते हैं। तो हमने ये नाम लिख लिया है इनका, और इनके बारे में इनका जो जो इनमें बीच में आ रहे हैं उनको मैंने सोचा कि आपके साथ ही लिखते रहें, बंद करके वीडियो लिखना ठीक नहीं है, आप साथ में देखते रहिए। तो क्वांटिटी में क्या, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा हाथ दिख रहा होगा ना, तो क्वांटिटी में, क्वांटिफायर में क्वांटिटी नंबर और कुछ ऐसे हैं जो क्वांटिटी नंबर दोनों में आएंगे, तो पहले क्वांटिटी लिखते हैं हम लोग। क्वांटिटी में आपका आता है लिटिल, ठीक है, लिटिल आ गया। अच्छा लिटिल में जानते हैं क्या है कि लिटिल होता है, अलिटिल होता है, द लिटिल होता है, वो कल वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कब अलिटिल लगेगा, कब लिटिल, कब द लिटिल लगेगा, अभी केवल एक लिखो इसमें बस, ठीक है, लिटिल हो गया।
लिटिल से और ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मच आ जाएगा, ठीक है, ये मच हो गया। मच से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेट डील ऑफ हो जाएगा, ठीक, ये तो हमने इसके पहले भी लिख रखा था। ग्रेट डील ऑफ के बाद थोड़ा और बढ़ाते हैं तो क्या आ जाता है, आ जाता है एन अमाउंट ऑफ, ठीक, एन अमाउंट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ हो गया। अब इसी अमाउंट को और घटा बढ़ा के लिख सकते हो, जैसे कभी आदमी कहता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक, क्या कहा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, या और बड़ा करना होगा तो क्या कहेगा, अ लार्ज स्मॉल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक, ये क्या हो गया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अब लार्ज अमाउंट हो गया, बिग अमाउंट हो गया, ग्रेट अमाउंट हो गया, गुड अमाउंट हो गया, सब यही सब बढ़ता रहेगा, इसी अमाउंट में अलग अलग वर्ड लगाते चले जाओगे। ये सब क्या बता रहे हैं, किसी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताएंगे। नंबर में आ जाओ, नंबर में आते हैं हम लोग, तो लिटिल के टाइप में, लिटिल की कैटेगरी में एक आता है फ्यू, तो फ्यू होगा, अ फ्यू होगा, द फ्यू होगा, लेकिन अब वो अ फ्यू द फ्यू की चर्चा कल करेंगे। फ्यू से थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या हो जाता है, सेवरल हो जाता है, सेवरल से और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेनी हो जाता है। अब मेनी के तीन चार तरह से यूज है, आप कहेंगे मेनी है, आ मेनी है, अ ग्रेट मेनी है, अ गुड मेनी है, सब उसी में आएंगे। मेनी लगा होगा वो डिटर्मिनर में आ जाएगा, ठीक है, आ मेनी हो, आ गुड मेनी हो, आ ग्रेट मेनी हो, बात एक ही है भैया, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, समझ में आ गया। तो मैं एक लिख दिया हूँ, मेनी लिख दिया हूँ, बाकी वाले आप सुने रहिए। मेनी से और ज्यादा होगा तो मेनी होगा, और इसी मेनी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं कभी कभी वेरियस, वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस, वेरियस का मतलब भी क्या होता है, अनेक होता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, वेरियस का ही भाई है न्यूमरस, क्या होता है, वेरियस के साथ क्या आता है, न्यूमरस, ये भी किस में आ जाता है, ये भी नंबर में आ जाता है, इसका मतलब भी होता है अनेक, मेनी के सेंस में, ये तीन के तीनों का सेंस मेनी वेरियस न्यूमरस तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, वेरियस। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इसमें जानते हो क्या आ जाएगा, अ नंबर ऑफ लग जाएगा, और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ, ठीक, अ नंबर ऑफ। अब इस अ नंबर ऑफ में भी जैसे इधर था अमाउंट में अ स्मॉल अमाउंट, तो यहां भी हो सकता है अ स्मॉल नंबर ऑफ, ठीक, अ स्मॉल नंबर ऑफ, ठीक, अ स्मॉल नंबर ऑफ। ज्यादा करना हो तो अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये लगाओ और एटसेट्रा को, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ बिग नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, बढ़ाते चले जाओगे तो बनता चला जाएगा। ये सब क्या हो गए, ये काउंटेबल नाउन के पहले लगेंगे, और नाउन कैसा होगा, वो प्लूरल होगा, जैसे बुक्स लिखोगे तो ये लगेगा, वाटर लिखोगे तो ये लगेगा, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा, आगे चल के इनकी चर्चा और होगी। कॉमन में आ जाओ, कुछ ऐसे हैं, यही दिक्कत आएगी जब आप कॉमन वाले पे पहुंचोगे तो यही दिक्कत आएगी। यहां पे चलो शुरू करो, कहां से शुरू करते हैं, जीरो से, तो जीरो में आपका एक है नो, नो एडवर्ब भी है, जब किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है आप कहते हैं नो, तो ये एडवर्ब होता है। और अगर आप नो किसी एडजेक्टिव, किसी सॉरी एडजेक्टिव नहीं, किसी नाउन के पहले लगा दो, जैसे कहते हो आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो बुक्स, तो ये बुक के पहले लगा नो तो काउंटेबल वाला हो गया, तब तो नंबर में आ जाएगा। अगर हम कहें कि आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, तो नो क्या लग गया, अमाउंट हो गया, क्वांटिटी हो गई। नो वाटर में वाटर क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, नो बुक्स में नो क्या कर रहा है, नंबर बता रहा है, ठीक है, तो ये नो ये कॉमन हो जाएगा। क्वांटिटी में अगर मैं लिखता तो यहाँ भी लिखा होता, यहाँ भी लिखा होता, तो जिनको इसमें भी लिखना था, इनमें भी लिखना था, वो उनको इनमें ना लिख करके अलग से लिख दे रहा हूँ, तो वहाँ जितने भी लिख रहे हैं वो इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, कॉमन वाले हैं, नो आ जाएगा। नो के अलावा इसमें एक और आ जाएगा, कौन, एनी आ जाएगा, जैसे एनी इन्फॉर्मेशन, या एनी बुक, एनी पेन, एनी फ्रेंड, ठीक है, तो इस तरह भी एनी यूज किया जाता है। अच्छा, और इसी में आता है आल, ठीक है, आल, हाँ, नंबर वाले में एक छूट गया, जैसे 1 2 3 4 अगर लगाते हो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, कहाँ लिख दूँ, अभी लिख देता हूँ, याद आ गया अभी अभी, तो मैं इसे लिख देता हूँ, फ्यू हो गया, फ्यू के ही आगे यहीं पे बढ़ा दे रहा हूँ यार, आप समझ जाइएगा, जैसे कहीं लिखा है 1 तो ये भी न्यूमरल हो गया, डजन लिखा हो तो ये भी तो नंबर ही है, या कहीं पर बोथ लिखा हो तो
तो बोथ भी नंबर ही है ना, बोथ मतलब दोनों, तो ये भी नंबर में आएंगे, तो ये भी ये सब डिटर्मिनर कहे जाएंगे, ठीक है। ये डेफिनेट नंबर हो जाता है तो ये भी डिटर्मिनर, ये इनडेफिनिट हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं आ रहा है। खैर चलो आगे आ जाओ, नो हो गया, एनी हो गया, आल हो गया, और क्या लगा सकते हो, सम है, ठीक। सम नंबर में भी आता है, क्वांटिटी में भी आता है। आप कहोगे कैसे आएगा, जैसे कहें सम फ्रेंड्स या सम बुक्स, तो सम बुक्स बोलोगे तो बुक्स के पहले लगाया हो सम, अभी क्या हो गया, नंबर हो गया। सम वाटर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सम नॉलेज लगा दोगे, सम इंफॉर्मेशन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये जितना लिख रहा हूँ सब नंबर क्वांटिटी दोनों है, सम हो गया। और क्या हो सकता है, एनफ हो सकता है, देखो एनफ लगा दिया हमने तो एनफ के साथ भी वही चीज लागू होती है। एनफ के और आगे बढ़ो थोड़ा सा, एनफ से आगे बढ़ते हो तो क्या आ जाएगा, आपका अलॉट ऑफ आ जाएगा, ठीक है, अलॉट ऑफ हो गया। अलॉट ऑफ से थोड़ा और चलते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लेंटी ऑफ आ सकता है, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एम्पुल ऑफ, एम्पुल ऑफ, एक और लिख देते हैं यहाँ पे, अबंडेंट ऑफ, ठीक है, क्या हो गया, अबंडेंट ऑफ, अबंडेंट ऑफ लगा दिया। तो ये सब अमाउंट में, ये सब सिमिलर भी आते हैं, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, साइनोनिम भी आएंगे। अलॉट ऑफ होने बहुत ढेर सारा, प्लेंटी मतलब बहुत ढेर सारा, एम्पुल ऑफ मतलब बहुत ढेर सारा, अबंडेंट ऑफ का मतलब होता है बहुत ढेर सारा, ठीक है। और क्या होगा इसके अलावा, देखो यहाँ पे मच था, यहाँ पर मेनी था, ठीक है, ये देखो ये मच है, ये मेनी लगा हुआ है। इनकी कॉम्परेटिव डिग्रीज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं नंबर या क्वांटिटी में, तो मोर भी डिटर्मिनर हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनर भी है और एडवर्ब भी, इंटेंसिफायर भी है। कैसे पता करोगे ये डिटर्मिनर है कि इंटेंसिफायर है, मतलब डिटर्मिनर में क्वांटिफायर है कि इंटेंसिफायर है। नाउन के पहले लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर हो जाएगा। जैसे हम कहें आई हैव मोर बुक्स देन यू, आई हैव मोर बुक्स देन यू, तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा किताबें हैं। मोर कहाँ लगाया मैंने, बुक्स के पहले लगा दिया मोर, आई हैव मोर बुक्स, तो बुक्स के पहले लगाओ, संख्या में लगा दिया, मेनी का कंपैरेटिव बना दिया। आई हैव मोर नॉलेज देन यू, तो मोर नॉलेज के पहले अनकाउंटेबल पहले लगा दिया, तो ये मच का कंपैरेटिव डिग्री हो गया। लेकिन जब ये कहते हो कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके पहले मोर लगाओगे तो एडजेक्टिव के पहले मोर लगाओगे तो एडवर्ब होगा, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो इंटेंसिफायर कहा जाएगा। और जब कहते हो कि आई हैव मोर बुक्स देन यू, तब क्या करते हो, तब आप उसको डिटर्मिनर की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कल वाले में और मैं क्लियर करूंगा इसको, मोर है और मोस्ट है, तो ये मोर मोस्ट क्या होगा, ये भी आपके डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। कब, जब इनके बाद नाउन लगा हो, फिर याद रखिएगा ये जितने लिखे हो इनके बाद जब नाउन आता है तब, ठीक है। जैसे एनफ लिखा, अब कहीं एडजेक्टिव के साथ लगा दियो, इंटेलिजेंट एनफ या गुड एनफ, रिच एनफ, तब ये डिटर्मिनर नहीं है, तब इंटेंसिफायर हो जाता है, ठीक है। ये जितने भी लगे हैं इन सब के साथ एक बात आप समझ लेना, या पूरे जितने डिटर्मिनर मैंने पढ़ाए सारे डिटर्मिनर्स की बात बता रहा हूं, ये सब डिटर्मिनर तभी माने जाएंगे जब ये किसी नाउन के लिए यूज होंगे, अदरवाइज ये डिटर्मिनर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब इनमें कई ऐसे हैं जो बिना नाउन के यूज हो जाएंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएंगे, कई ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के पहले लग जाते हैं तो वो इंटेंसिफायर हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहे जाते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये अदरवाइज कभी डिटर्मिनर नहीं माने जाएंगे, ये डिटर्मिनर तब माने जाएंगे जब ये किसी नाउन के लिए लगे होंगे, नाउन से चट के लगे हों या नाउन से थोड़ा पहले लगे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिटर्मिनर तभी होंगे जब नाउन के लिए लगे होंगे, एक बार फिर मैंने कह दिया। और ये पूरा पूरा डिटर्मिनर में जो क्वांटिफायर्स हैं, मेरी समझ से तो मैंने सारे के सारे क्वांटिफायर्स यहाँ पर लिख रखे हैं, एक आध अगर कोई छूट गया हो तो आई कैन नॉट गारंटी नहीं ले सकता, लगता तो नहीं है कि कोई छूटा है, पर अगर कोई छूट गया होगा तो देख लेना, वो कल परसों में फिर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे आई थिंक मेरा कोई छूटा वोटा नहीं है, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनर में क्वांटिफायर्स हो गए, और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल बता दिया था, डिमोंस्ट्रेटिव बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया था, और पजेसिव बता दिया था। तो ये आपकी जो परिचय थी, जो पहचान था डिटर्मिनर्स का, वो डिटर्मिनर की पहचान खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जैसे यह सम है, ठीक, ये सम कभी प्रोनाउन बन जाता है, कभी डिटर्मिनर बन जाता है। तो ये अभी थोड़ी देर में बस जस्ट इसको मिटा के मैं आपको वो वाली बात भी क्लियर कर देता हूं, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं ये छह वर्ड कौन कौन से, दिस है,
ईच है, मेनी है, ऑल है, मोस्ट है और सम है। हर कैटेगरी से एक एक ले लिया है मैंने, और ये छह सेंटेंस, छह हैं तो 12 सेंटेंस दूंगा, और इन 12 सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि कैसे ये डिटर्मिनर हैं, कब कब डिटर्मिनर होंगे, कब ये प्रोनाउन हो जाएंगे, कब इंटेंसिफायर अलग अलग आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिस। तो दिस से आप दो सेंटेंस लो, ये रहा आपका पहला सेंटेंस, जैसे कहीं लिखा हो दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट करते रहना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये लिखा। दूसरा है कि दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें दोनों में दिस लगा, ये भी दिस लिखा है, ये भी दिस लिखा है, कौन सा दिस डिटर्मिनर होगा। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कहा था कि अगर वो नाउन के साथ आता है, मतलब सटा हुआ हो चाहे थोड़ा दूर हो, लेकिन नाउन के लिए लगे हो, तो इस वाला, ये वाला जो है ये किसके लिए लगा है, नाउन के लिए लगा हुआ है, ठीक। अगर लिख दूं दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भी ये दिस डिटर्मिनर होगा, क्योंकि इसके साथ नाउन आएगा, ठीक। अब ठीक है, ये वाला दिस क्या हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया। अब ये वाला दिस है, इसके साथ क्या लग गई, वर्ब लग गई, इसके साथ क्या लग गया था, नाउन लगा था, इसके साथ वर्ब है, इस दिस के साथ कोई नाउन है, कोई नाउन, ये वाला नाउन इस दिस के लिए नहीं है, ये जो दिस लगा इस वाले नाउन के लिए नहीं लगा है, इसके लिए क्या लगा है, आ लग गया, ठीक है। तो ये जो दिस है ये डिटर्मिनर नहीं है, इसको आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे डेमोन्स्ट्रेटिव, इतना लिख दिया हूं, डेमो समझ जाना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में नाम रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन सा डिटर्मिनर होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, यह नाम फिर रहेगा इसका, डिटर्मिनर है, कौन सा डिटर्मिनर है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहां आ जाओ, यहां पे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां नाउन नहीं लगा था तो इसलिए आ नहीं लगा है, देखो यहां पे क्या आ गया, नाउन आ गया ना, नाउन आ गया, तो देखो ये क्या हो गया, ये डिटर्मिनर इसका हो गया, आर्टिकल इसके लिए लगा है, ठीक है। तो उसके लिए डिटर्मिनर ये लगा है, ये नहीं लगा, इसके बाद वर्ब लग गई, वर्ब लग गई तो नाउन उस पार हो गया, फिर इसके लिए नहीं लगा होगा वो नाउन, क्लियर होगा, ये देश की बात है, ठीक है। जिसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा हो गया, ईच का हो गया, तो इसी में लिख दे रहा हूँ ईच, फिर इकट्ठे मिटाता हूँ, ईच वाले में आ जाओ। तो मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो कि आई हैव इन्वाइटेड, तो ये सेंटेंस है हमारा तीसरा वाला, जिसमें हमने ईच दो बार लिखा है, एक ईच यहाँ लिखा हुआ है और एक ईच यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। इस ईच के बाद क्या लिखा है, नाउन लिखा हुआ है, तो अब ये ईच नाउन के लिए लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये डिटर्मिनर होगा, कौन सा डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इस ईच के बाद क्या लग गया, वर्ब लग गई, मतलब इस ईच के लिए कोई नाउन नहीं लगा है, या यूं कह लो कि ये ईच किसी नाउन के लिए नहीं लगी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो ये डिटर्मिनर नहीं है, और ये डिटर्मिनर है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन के लिए लगा है, तो ये होगा डिटर्मिनर, वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस बार मैंने बचे हुए सारे कर दिए हैं, एक में मेनी से हमको शुरू करना था, ठीक है। देखो मेनी में क्या है, यहां देखो क्या लिखा है, मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, तो अगर इसके साथ नाउन दिया है तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर, कैसा डिटर्मिनर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बहुत से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, बट मेनी आर एब्सेंट, ये वाला मेनी, इस मेनी के बाद क्या लगा है, वर्ब लग गई, ये किसी नाउन के लिए लगा है, इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, तो ये वाला किसी नाउन के लिए नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोनाउन, क्योंकि इस मेनी के साथ स्टूडेंट छुपा हुआ है, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बट मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, इसके बाद स्टूडेंट अंडर स्टूडेंट छुपा हुआ है, जब नाउन नहीं लगा होगा तब ये क्या होगा, जब नाउन को हटा देगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा ना, तो ये प्रोनाउन है, दिस मेनी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डिटर्मिनर, इसको आप डिटर्मिनर नहीं कहोगे, डिटर्मिनर किसको कहोगे, इसको कहोगे। आगे आ जाओ, ऑल द स्टूडेंट्स,
आल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, इसमें द क्या हो गया, डिटर्मिनर, आल क्या हो गया, डिटर्मिनर, दोनों डिटर्मिनर। अब ये ना कहना कि दो डिटर्मिनर कैसे, काहे नहीं भैया, हो सकते हैं दो डिटर्मिनर लगा सकते हो, ठीक है, न्यूमरल और पजेसिव दोनों आ सकते हैं, आर्टिकल के साथ भी आ जाता है न्यूमरल, ठीक। तो ये हो गया, अब देखो एक आल और कहीं लगाया होगा, यहाँ पे लगाया हूँ। अब पढ़ के देखो, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एंड वी अप्रिसिएटेड ऑल फॉर देयर रेगुलरिटी, तो वी अप्रिसिएटेड ऑल, इस आल के बाद, इस आल के बाद क्या कोई नाउन आया, नहीं आया, नहीं आया तो ये आल क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। अब ये देखो, आई हैव सॉल्व्ड मोस्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस क्या है, नाउन, तो ये मोस्ट किसके लिए आ गया, ये मोस्ट आ गया संख्या में, ठीक है, क्वेश्चंस, मोस्ट क्वेश्चंस मतलब ज्यादातर क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चंस का मतलब मोर देन 50% या सॉरी मोर देन 75%, तो मोस्ट क्वेश्चंस तभी आएगा जब आप 75 के ऊपर कर लोगे, मतलब 100 क्वेश्चन में 75-80 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो कहेंगे कि आई हैव सॉल्व मोस्ट क्वेश्चंस, मतलब अधिकतर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। ये वाला मोस्ट क्या हुआ, चूंकि नाउन के लिए आया है तो ये डिटर्मिनर हो गया, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, यहां पर मोस्ट क्या हो जाएगा, अब ये डिटर्मिनर नहीं होगा, इसको क्या कहोगे, इसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसीफायर, ये क्या हो गया, इंटेंसीफायर, यही है, ठीक है, इसी को कहते हैं इंटेंसीफायर, जो किसी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, इंटेंसीफायर हो गया, ठीक है, ये इसको एडवर्ब भी कहते हैं ना, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सम टीचर्स, यहां देखो सम के साथ क्या लिखा, टीचर्स, टीचर्स क्या है, नाउन, तो सम क्या हो गया, डिटर्मिनर, क्या बता रहा है, टीचर्स की संख्या बता रहा है। सम टीचर्स आर इन माई फेवर बट सम आर अगेंस्ट, ये वाला सम क्या है, इस सम, ये सम किसी नाउन के लिए लगा है, कोई नाउन है इसके आसपास, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, समझ में आ गया। तो जो वर्ड्स हैं, कुछ मैंने एग्जांपल के लिए, इसी तरह आप सारे को समझ लीजिएगा, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ ले लिए हैं, तो जितने भी वर्ड्स हमने डिटर्मिनर में लिखाए थे उसमें आर्टिकल को छोड़कर और पजेसिव एडजेक्टिव को छोड़कर एब्सोल्यूटली डिटर्मिनर कोई नहीं है, सब कंडीशनली हैं, ठीक है, आर्टिकल तो एब्सोल्यूटली डिटर्मिनर है, उसके लिए आंख मूंद कर लगा देना, पजेसिव एडजेक्टिव है, आंख मूंद कर आप लगा दो कि वो डिटर्मिनर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पजेसिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो तो रिस्क है, क्वांटिफायर्स हो तो रिस्क है, तब देख के लगाना कि वो नाउन के लिए लगे हैं या अकेले लगे हैं, अगर अकेले लगे हैं प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन के लिए लगे हैं तो डिटर्मिनर हो जाएंगे, या एडजेक्टिव के लिए लगे हैं तो वो इंटेंसीफायर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आज था डिटर्मिनर का परिचय, डिटर्मिनर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब बात आएगी कि हम मच कब लगाएं, मेनी कब लगाएं, लिटिल कब लगाएं, फ्यू कब लगाएं, सम कब लगाएं, एनी कब लगाएं, ठीक है, आल कब लगाएं, होल कब लगाएं, ये डिफरेंस आएगा, अदर कब लगाएं, एन अदर कब लगाएं, एनी अदर कब लगाएं, ये डिफरेंस आएंगे। तो इन सारे डिफरेंसेस के लिए हमको मिलना होगा एक बार और हम फिर मिलेंगे कल, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 2 होगा और कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा कि डिटर्मिनर्स के करेक्ट यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबके सब लोग मिलिएगा कल, फिर हम लोगों की मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में और कल इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ये सेशन आप ले फिर मिलते हैं कि पहले आप ये बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, कितना यूजफुल था, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा बताना जरूर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।